Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. जो हमारे vlogs पहले से देखते हो उन्हें पता होगा, हमें इस घर में आए हुए अब तक एक साल नहीं हुआ है, लेकिन अभी almost एक साल होने वाला है. ये जो जनवरी चल रहा है ना, जनवरी की 28th आते ही एक साल हो जाएगा हमारा इस घर में. और हम तो हमारा डेली लाइफ ब्लॉग के थ्रू शेयर करते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इस घर को थोड़ा बहुत सजाया है. थोड़ा अभी भी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि अरे अभी तो एक साल होने को है और कुछ ही दिन बाकी है. अभी तक कोई भी जगह, बेडरूम कह लो, हॉल कह लो या फिर किचन कह लो, कोई भी जगह हमने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है. कम से कम एक तो कंप्लीट करना चाहिए. तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक साल पूरा होने से पहले पहले मैं जो हमारा लिविंग रूम है, जो हॉल है, उसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँ और पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसका एक कम्प्लीट मेकओवर कर लूँ. तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए. थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रही हूँ बहुत दिनों से और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो बाकी है मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कितना मैं ले पाती हूँ और इसका पूरा मैं मेकओवर कर दूँगी उसके बाद, और ये मैं बोल पाऊँगी हाँ कि ये हमारा लिविंग रूम जो है ये अभी कम्प्लीट है. तो मैं अभी उसी के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ जो जो मुझे चाहिए वो मिलता है या नहीं. अभी भी जब भी हम लोग आके ऐसे मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है. लगता है कि हाँ हाँ, सौरभ मेरे लिए इंतजार कर रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, आई हूँ मिलने. वैसा फील आता है. हम लोग वैसे भी लिविंग में रह रहे हैं ना अभी तक के. हाँ, वी आर नॉट स्टिल, उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल नहीं हुए ना. हाँ, चल रहा है बस, इनको कॉपी किताब में साइन है बस. दिल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सबके लिए हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दिल से गर्लफ्रेंड. हाँ बिल्कुल. अभी अभी हम लोग बर्जुमान मेट्रो स्टेशन से निकले हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ाहरत की तरफ. ज़ाहरत हम लोगों ने हमारे ब्लॉग में पहले भी दिखाया है. तो हम लोग जो आज खोज कर रहे हैं ना कि लिविंग रूम को फाइनल लुक देने के लिए जो जो चाहिए, तो उसका सबसे पहले हम लोग ज़ाहरत में जाके देखेंगे वहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं. उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है आज. वैसे मुझे नहीं लगता एक दिन में कुछ हो पाएगा बहुत ज़्यादा. नहीं, बहुत कुछ और बाकी नहीं है. अगर जो मुझे चाहिए वैसा अगर मिल जाता है तो हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा. वैसे भी कितने दिनों से आहिस्ता 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 करके सब कुछ कर रही हूँ और थोड़ा बहुत चीज़ ही बाकी है. वो एक बार हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा लिविंग रूम. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you. आई थी लिविंग रूम के लिए देखने के लिए और आके यहाँ पे क्रॉकरी देख रही हूँ. यहाँ का कलेक्शन इतना अच्छा होता है ना, लगता है कि सब उठा के ले जाओ. Just like you did, took me by surprise, made me complete, you changed my life, made me believe, believe in real love. ज़ाहरत का शॉपिंग डन है, ज़ाहरत से हमें थोड़ा बहुत मिला, अब बाकी का हम लोग पैन मिनट्स में जाके देखेंगे. यू विल फील क्रेजी कि हमने ज़ाहरत से वापस से क्या लिया है. हश पपीज, आई विल गो टू हश पपीज. हश पपीज ये तो बहुत अच्छा ब्रांड है. तुम्हारे पास ऑलरेडी इस ब्रांड का जूता तो है, बहुत अच्छा है वो. ऑप्टिशियन देख के मेरे को हमेशा लगता है ये बेचारे दुकानों वाले सब यतीम है. ये वाला कोई नहीं है इनका. हाँ, अपार्ट फ्रॉम जोक्स हो सकता है कि ये यतीम लोगों की हेल्प करता हो और समथिंग लाइक दैट, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट. 1910, ये बहुत पुराना है. इसका इंटीरियर देखिए, इंटीरियर देख के मज़ा आ रहा है.
मन कर रहा है कि एक बार अंदर जाके देखे। नहीं, चाइना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ना, उसकी जैसा दिखता है ये आई थिंक। अभी हम लोग बर्जुमान मॉल के अंदर आए हैं। बर्जुमान मॉल के अंदर जो पैन एमिरेट्स है, हम लोग वहीं पे जाएंगे। तभी बहुत लंबा चलना पड़ेगा। एक हम लोग वो बर्जुमान मेट्रो स्टेशन के तरफ से अंदर आए हैं और पैन एमिरेट्स जो है एकदम आखिरी में जाते हैं। और ये है मेरा फेवरेट डोनट का शॉप, पर आज मैं नहीं खाऊंगी, नो शुगर। और ये रहा मिनीसो, ये तो मतलब आजकल हर जगह खुल रहा है। ये जापानीज शॉप है और इस शॉप में हर कोई चीज़ क्यूट क्यूट होता है। चलो ना वुडन स्पून देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं, यहाँ पे शायद मिल जाए। हम लोग ऐसे जापानीज शॉप में गए थे जहाँ पे चॉपस्टिक एंड वुडन स्पून नहीं मिल रहा है। खत्म हो गया होगा स्टॉक। ये बहुत शर्म की बात है कि जापानीज शॉप में वुडन स्पून नहीं मिलता। प्लास्टिक तो भरा पड़ा है, जो भी देखो हर चीज प्लास्टिक। मैं बता रहा हूँ जापानीज शॉप है लेकिन आता सारा सामान चाइना से है। वो तो नहीं पता कहाँ से आता है, पर वैसे आजकल तो कुछ भी हो हाथ रख के मतलब गेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 99% चाइनीज ही होता है। नीचे है माता लैन, ऊपर है पैन एमिरेट्स। ये दोनों ही मेरे फेवरेट शॉप्स हैं। दोनों ऊपर नीचे। हाँ दोनों ऊपर नीचे। यहाँ पे कपड़े खरीद लो, ऊपर से जो हमें डेकोरेशन की चीज़ें या फर्नीचर चाहिए वो ले लो। So in love is so exciting cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side. Cause you're mine. Mine, 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 mine. Now I'm never leaving you, leaving your side. Cause you're mine. एमिरेट्स में ना लूट हो गई है, लूट। जो जो मैं ऑनलाइन में देख के आई थी कुछ भी नहीं है, सब लूट के ले गए लोग। अभी यहाँ पे सेल चल रहा है तो वो तो होना ही था। कुछ कुछ हमें ज़ाहरत से मिल गया था और थोड़ा बहुत पैन एमिरेट्स में मिला है। वो स्टैंड वाला प्लांटर चाहिए था मुझे, वो तो नहीं मिला। अब उसके लिए हम दूसरे शॉप में जा रहे हैं, अभी होम बॉक्स में चलते हैं। होम बॉक्स यहाँ से पास ही है। अब हम लोग होम बॉक्स में भी देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑनलाइन से मंगवा लेंगे और क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं जो हमें यहाँ पर पसंद आया है उसमें ना डिफेक्ट है, तो वो वाला फ्रेश पीस भी मिल जाएगा, बस ऑनलाइन लेना पड़ेगा। यहाँ से भी आके हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं 2-3 दिन बाद। तो अभी ना ख़रीद के हम लोग जा रहे हैं, एक बार होम बॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा बाद अगर हुआ तो हम क्लिक एंड कलेक्ट कर लेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? बिरयानी वाला है इनको, the pride of Hyderabad। अच्छा वहाँ पे ये शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हैदराबादी बिरयानी का एक शॉप है, रेस्टोरेंट एक्चुअली, शॉप नहीं। कभी ट्राई करना है वहाँ पे या फिर आज ही ट्राई करना है? आई डोंट नो रियली, वी विल सी लेटर। हाँ आज नहीं, आज यहाँ से नहीं खाना, आज एक्चुअली बिरयानी का मूड नहीं है, आज मैं घर से कुछ और सोच के आई हूँ। ओके तो अभी हम पहुंच गए हैं सेंटर पॉइंट, वहीं पे है होम बॉक्स। तो चलो अभी देखते हैं होम बॉक्स में मिलता है या नहीं। By surprise, made me complete, you changed my life, made me believe, believe in real love, and now my heart beats, it beats for you। इतना सारा शॉप घूमने के बाद अभी लास्टली हम लोग जा रहे हैं डे टू डे, वो भी क्यों बाकी रखे, वहाँ पे भी जाना है। ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया है, बाकी का डे टू डे में जाके ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो देखते हैं।
बर्जुमान में जो मैक्स है ना, मैक्स के एकदम साइड में ही एक है डे टू डे, वहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे और इस मैक्स से हम लोग बहुत शॉपिंग करते थे, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मैक्स का उतना हमें पसंद नहीं आता, उन लोगों का क्वालिटी कैसा चेंज हो गया है। फिर भी बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो। এখানে দেখ ডাবের জল পাওয়া যাচ্ছে, নারিয়েল পানি, বেশি রাত করতে নেই পিনা চলে না ডাবে মিল যায়। सबसे पहले ये सिम्बा ब्राउनी के लिए आया है, पर साथ में सिम्बा ब्राउनी नहीं आया है। सूप इज लाइक ओके ओके। एकदम सिम्बा का पापा लग रहे हो And finally, 11:30 बजा है अभी रात के, हम लोग शॉपिंग कंप्लीट करके लौटे हैं, फिर भी इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते, सब कुछ नहीं मिला जो जो चाहिए था, अभी भी कुछ बाकी है। पता नहीं एक साल कंप्लीट होने से पहले मैं लिविंग रूम पूरा कर पाऊंगी या नहीं। मैंने आज कहा वीडियो में, पता है कि हम इस घर में आए हैं अभी तक एक साल नहीं हुआ है, अभी कुछ दिनों में एक साल हो जाएगा, तो एक साल होने से कम मैं लिविंग रूम को कंप्लीट करना चाहती हूँ। अब देखते हैं, बेडरूम तो दूर की बात है, बेडरूम अभी बहुत दूर है, वो शायद और एक साल लगेगा। अभी अभी बस बाहर से आई हूँ और सौरभ अभी नहाने चला गया है, वो तो नहीं आएगा ये सब कुछ दिखाने, और मुझे इन सब के ऊपर अभी गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, गंगा जल मीन्स वो सैनिटाइजर, वो स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन वो करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या खरीदा है, और उसी के साथ ये व्लॉग भी एंड करूँगी। सो गाइस, सारे झोले लेके मैं बैठ गई हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग ना पैन एमिरेट से एक ये लेके आए हैं, एक डोर मैट, ये बहुत ही स्लिम सा है इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डोर मैट ना काफ़ी भारी होता है और बड़े साइज में मिलता है, तो इसमें ऐसा होम लिखा है, बिल्कुल स्लीक है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारे घर के बाहर अभी मैं रखूँगी। और वैसे भी इसका पर्पस होता है कि जूते को थोड़ा झाड़ के फिर अंदर आओ ताकि डस्ट ना आए, वैसे भी यहाँ पे तो धूल मैल उतना होता नहीं है, फिर भी इसको रखेंगे बाहर, कभी कभार अगर झाड़ने की ज़रूरत पड़े तो झाड़ भी सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे भी क्लीन करने में आसानी होगा क्योंकि ये लाइट वेट है, छोटा है ना इसीलिए। और पैन एमिरेट से हमने ये दो बास्केट लिया है, एक ऐसा ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दो, और ये भी ऑफर में मिला है, ये है 19 दिरहम का, ये है 29 दिरहम का, तो ये काफ़ी सस्ता है एक्चुअली, इतने कम प्राइस में ऐसा क्वालिटी का नहीं मिलता। और हाँ, ये जो डोर मैट मैंने दिखाया ये 19 दिरहम का था।
फिर हम लोग एक दूसरे शॉप में गए थे बर्जुमान मॉल में ही, वहाँ से हम लोगों ने ये एक बास्केट लिया है। ये जो सारे बास्केट्स आप देख रहे हो ना, सब प्लांट्स के लिए है। प्लांट्स अगर ऐसे बास्केट में रखा जाए बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिर होम बॉक्स से हमने एक ये बर्ड लिया है। सौरभ ये देख के बोल रहा था ये क्या बर्ड है, ये इसकी आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, ये देखने में ऊड लग रहा है, लेकिन गाइस ये सिरामिक है, ये ऊड नहीं है, बस सिरामिक के ऊपर ऊड जैसा कलर है, इसका प्रिंट है, अच्छा है ना। इसको भी प्लांट्स के साथ रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो आज ज़्यादातर शॉपिंग सिर्फ प्लांट्स के लिए हुआ है। और हम लोग डे टू डे गए थे, डे टू डे से बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही प्लांटर लिया है। ये देखने में लग रहा है कि जूट का है, लेकिन वैसा नहीं है गाइस, बस देखने में वैसा है। ये सीमेंट से बना हुआ है और उसके ऊपर कलर है, ये देखिए ये, और ये देख के लग रहा है कि सेम मटेरियल है, थोड़ा डिज़ाइन अलग है लेकिन मटेरियल सेम है, और इसके साइड में ये मैचिंग हो जाएगा। हम लोग जहारत भी गए थे, तो नहीं होम बॉक्स से और भी दो हैं, होम बॉक्स कभी ख़त्म नहीं हुआ। होम बॉक्स से ये एक लिया है बास्केट, तो आज हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो खरीदा है वो बास्केट्स, सब प्लांट्स के लिए। और हम लोग उस दिन कह रहे थे ना कि जो टेबल के ऊपर जो हमने पीस के लिए रखा है उसके लिए हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए होम बॉक्स से एक लेके आई हूँ। अभी मुझे नहीं पता उसका जो पॉट है वो इसके अंदर एडजस्ट होगा कि नहीं, बस मुझे ये अच्छा लगा तो लेके आई हूँ। अब देखते हैं, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं इसका क्या करेंगे, या फिर इसको एक्सचेंज करके कुछ और ले लेंगे। अभी हम लोग श्योर नहीं है कि वो पॉट इसके अंदर आएगा कि नहीं, अगर आ जाता है तो आई थिंक ये टेबल के ऊपर अच्छा ही लगेगा सेंटर पीस। और सबसे लास्ट मैं दिखा रही हूँ जहाँ हम लोग सबसे पहले गए थे, जहारत। और सौरभ कह भी रहा था कि आप भी सोचोगे कि देखो इन लोगों ने क्या खरीदा है। तो एक तो मैंने ये लिया है, ये एक ट्रे टाइप का है, ये भी वही काइंड ऑफ बास्केट ही है लेकिन ऐसा प्लेट डिज़ाइन में है। तो इससे मैं एक्चुअली कुछ बनाऊंगी, ये भी प्लांट्स के लिए ही है, इसके ऊपर एक्चुअली प्लांट रहेगा, लेकिन उससे पहले इसके साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा, बस ऐसे ही इसके ऊपर नहीं रखूंगी, इसको मैं कहीं पे लगाने वाली हूँ। और जिसके लिए सौरभ तब हंस रहा था वो है ये, हम लोगों ने फिर से प्लांट्स खरीद लिया, ये देखिए कितनी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से प्लांट्स है, ये देखिए ये, और एक ये। तो हमने ऐसा तीन लिया है, अभी पता नहीं लाते वक्त इसका हालत क्या हो गया है, हम लोगों ने कोशिश किया है जितना सेफली हो सके इसको लाना, पर मैं देख सकती हूँ इसका एक का पत्ता टूट गया है, एक पत्ता टूट गया है इधर ये वाला, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये देखिए एक ऐसा टूट गया पूरा, बाकी का प्लांट ठीक ही है, अब हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का शॉपिंग। और लिविंग रूम के लिए मैं कब से बोल रही हूँ कि कैनवस चाहिए करके, एक्चुअली गाइस मैं सस्ता वाला ढूंढ रही थी, और यहाँ पे क्राफ्टिंग का जो शॉप होता है ना, जो जहाँ पे क्राफ्ट्स वगैरह मिलते हैं स्पेशली, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक एक कैनवस मुझे जिस साइज में चाहिए, मिनिमम 70 दरम का आता है, तो मुझे दो कैनवस तो चाहिए, तो 140 तक के वो हो रहा है। और डे टू डे में जो मिलता है वो वहाँ पे 10-20 दरम में भी मिल जाता है, लेकिन उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं कब से सोच रही हूँ कि क्या करूँ, महंगा वाला लूँ या सस्ता वाला लूँ। और सौरभ हमेशा कहता है तुम इतना मेहनत से एक पेंटिंग बनाओगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा कैनवस लेना चाहिए, उस सस्ते वाले में हो सकता है कि तुम्हारा पेंटिंग ना अच्छा बने, उसमें कलर ठीक से ना लगे। तो हम लोगों ने एक्चुअली कहीं और देखा है कैनवस,
सोच रहे हैं वही जाके लेके आएंगे, पर आज नहीं देखा, किसी और दिन देखा था, उस दिन मैंने लिया नहीं, तो जब मैं लूंगी तब बताऊंगी, मैं पहले से नहीं बता रही हूँ कि मैंने कहाँ पे देखा है कैनवस। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग बस यही तक, मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।